आज का विषय है त्रिभुज और उसके गुण, अर्थात ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये इस विषय का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि त्रिभुज क्या होता है और उसके प्रकार कितने होते हैं। उसके पश्चात हमने उसमें देखा था कि त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं और उसके शीर्ष लंब क्या होते हैं। उसके पश्चात हमने त्रिभुज के बाह्य कोण और उसके गुण के बारे में जाना था और आखिर में हमने उस वीडियो में अंतःकोणों के योग गुण के बारे में जाना था। तो आइए देखते हैं कि हम अब इस वीडियो में क्या जानेंगे और क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम इसमें दो विशेष प्रकार के त्रिभुज यानी कि समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात हम त्रिभुज की भुजाओं के गुण के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और सबसे अंतिम में हम जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। ये एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान होती है। इस प्रकार के त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं होती हैं ए बी बी सी और सी ए, वो तीनों आपस में एक बराबर होती हैं। उसके जो तीनों कोण होते हैं उनका माप 60 अंश के बराबर होता है यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश। आइए अब हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में यानी कि आइसोसेलिस ट्रायंगल। यह एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाओं का माप समान है। इस प्रकार के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में जो असमान भुजा होती है उसे हम आधार यानी कि बेस कहते हैं और जो समान भुजाएं हैं तो उनके सामने वाले कोण को हम आधार कोण कहते हैं यानी कि बेस एंगल्स। और इसकी एक विशेषता होती है कि जो आधार कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी दो भुजाएं बराबर हैं जो कि बी के बराबर हैं और इसके दो सामने वाले कोण हैं वो दोनों अल्फा के बराबर हैं यानी कि दोनों आधार कोण भी आपस में बराबर हैं। आइए अब हम जानते हैं त्रिभुज की भुजाओं के गुण के बारे में। आप कोई भी त्रिभुज लीजिए ए बी सी, इसकी तीनों भुजाओं ए बी बी सी और सी ए का मान ज्ञात कीजिए तो आप एक छोटे से प्रयोग से पाएंगे कि किसी भी त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी का योग सी ए से बड़ा होता है। उसी प्रकार बी सी और सी ए का योग ए बी से बड़ा होता है और उसी प्रकार ए बी और सी ए का योग बी सी से बड़ा होता है यानी कि हम देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ये त्रिभुज की भुजाओं का योग गुण होता है। हम इसे एक सारांश में लिख सकते हैं कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माप से ज्यादा होता है, ये त्रिभुज की भुजाओं का योग गुण होता है। आइए अब हम त्रिभुज की भुजाओं का जो योग गुण हमने पढ़ा था उसका हम प्रयोग देखते हैं। सबसे पहले तो आपको चित्र से स्पष्ट हो ही जाएगा कि अगर x, y, z तीन त्रिभुज की भुजाएं हैं तो x और y का योग z के बराबर होता है तो वो कभी त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, वो हमेशा एक रेखा ही बनेगा। तो किसी भी त्रिभुज के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि उसकी दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम इसका प्रयोग देख सकते हैं। अगर कोई एक रास्ता है जो पहले x से होकर फिर y से होकर जाता है और दूसरा रास्ता है जो सिर्फ z से होकर जाता है, तो अगर हमें ये देखना है कि कौन सा रास्ता छोटा है तो हम सीधे ही ये ज्ञात कर सकते हैं कि z वाला रास्ता है जो छोटा है, क्योंकि ये दोनों रास्ते एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। एक रास्ता त्रिभुज की दो भुजाओं का योग है और दूसरा तीसरी भुजा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है यानी कि अगर हम x और y के रास्ते से वहां तक पहुंचेंगे तो हमें ज्यादा वक्त लगेगा और z के रास्ते से पहुंचेंगे तो हमें कम वक्त लगेगा। तो हम अगर कभी भी ऐसे स्थिति में हो तो हमें एक भुजा वाले रास्ते को चुनना चाहिए। जैसे त्रिभुज की भुजाओं का योग कुर्ता वैसे त्रिभुज की भुजाओं का अंतर्गुण भी होता है। आप फिर से अगर कोई एबीसी त्रिभुज लेंगे और उसकी भुजाओं का योग ना मापेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि किसी भी त्रिभुज एबीसी में एबी माइनस बीसी हमेशा सीए से छोटा होगा, बीसी माइनस सीए हमेशा एबी से छोटा होगा और जो एबी माइनस सीए है वो बीसी से छोटा होगा।
यानी कि हम देख सकते हैं कि किसी भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। अगर एक सारांश में कहें तो हम इसे अंतर गुण को ऐसे लिख सकते हैं कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होता है। आइए एक सरल से उदाहरण से इसे समझते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजाएं ए, बी और सी हैं। इसमें हमें ए का मान 10 दिया है और बी का मान 7 दिया है, तो हमसे पूछा है कि सी का मान क्या हो सकता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सी है वो ए और बी के योग से छोटा होगा और साथ ही सी ए और बी के अंतर से बड़ा होगा। तो हमें ये पता है क्योंकि हम त्रिभुज की भुजाओं का योग गुण और अंतर गुण देख चुके हैं। और ए का मान 10 है, बी का 7, तो सी का मान 3 से बड़ा होगा और 17 से छोटा होगा, यानी कि सी का मान 3 से लेकर 17 तक हो सकता है। आइए अब हम समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं उनके कुछ विशेष नाम होते हैं। समकोण त्रिभुज में जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कहते हैं, और इस भुजा के अलावा जो दो अन्य भुजाएं होती हैं उन्हें हम आधार यानी कि बेस और लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं। आइए अब हम पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये महान गणितज्ञ पाइथागोरस का है। इन्होंने ही पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय रखा गया है। किसी भी समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण सी समकोण है उसमें कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग होता है। इसी गुण को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, यानी कि a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर c का वर्ग। अगर कोई भी त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का अनुसरण करता है यानी कि कोई भी त्रिभुज में अगर ये गुण पाया जाता है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही होगा। आइए पाइथागोरस प्रमेय को ज्यामिति के रूप में देखते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर जो वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल और लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। आप चित्र में देख सकते हैं एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी कर्ण है, ए लंब है, बी आधार है। तो सी पर जो वर्ग बना है यानी कि सी को भुजा मान के जिस वर्ग का निर्माण हुआ है उसका क्षेत्रफल ए को भुजा मान के जो वर्ग है और बी को भुजा मान के जो वर्ग है उन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है, अर्थात ए का वर्ग धन बी का वर्ग बराबर सी का वर्ग। आइए एक सरल से उदाहरण से पाइथागोरस प्रमेय का और जानते हैं। ये एक त्रिभुज है जो कि समकोण है। इसकी दो भुजाओं का मान 12 और 13 दिया गया है, हमसे तीसरी भुजा एक्स का मान ज्ञात करने को कहा है। तो आइए इसे हल करते हैं। हम जानते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 13 का वर्ग, क्योंकि 13 हमारा कर्ण है, उसका वर्ग 12 के वर्ग और x के वर्ग के योग के बराबर होगा। हम जानते हैं कि x का वर्ग बराबर 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, तो 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144। x का वर्ग बराबर 25 आया, यानी कि x का मान हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? सबसे पहले हमने जाना कि समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं और उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में जाना। उसके पश्चात हमने जाना कि त्रिभुज की भुजाओं के गुण जो कि योग गुण और अंतर गुण है उनके बारे में जाना और उसके प्रयोग देखे कि हमारे आसपास उसका हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। तत्पश्चात हमने समकोण त्रिभुज के बारे में जाना कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। और सबसे अंतिम में हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जाना, जिससे हमें पता चला कि पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। धन्यवाद। थैंक यू।